अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं आगा अली हाशमी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि मैं अभी मस्जिद में मौजूद हूं, तो यहां पे जो जो चीज़ें थी वो एक्सप्लोर कर रहा था। तो अभी ये हरम के नीचे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे एक कब्रिस्तान है बिल्कुल फ्लोर पे, जैसे पीछे में आप देख भी सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये ग्राउंड पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये बिल्कुल जैसे कि अब ये देखें, ग्राउंड पे बिल्कुल वो है, सारे की सारी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं और इनके ही ऊपर लोग चल रहे हैं, जो काफ़ी लोगों के लिए बड़ी आयत की बात हो सकती है, स्पेशल जो पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे लोगों का क्या कंसेप्ट है कि अगर जैसे यहाँ पे नीचे बिल्कुल फ्लोर पे अगर वो है, तो जितने भी लोग मोमिन ऊपर चढ़ते हैं, कब्रों के ऊपर चलते हैं, तो उनकी वजह से वो बाइस से सवाब है जो भी लोग मर चुके हैं उनके लिए। तो मैं आपको दोबारा यहाँ पे कब्रिस्तान दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ कब्र के नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ ब्लॉक्स लिखे गए हैं और यहाँ पे नेम है, जैसे कि ये हैं अकदस जमशेदी और बाकी जो भी फर्जंद मोहम्मद, तो ये ऊपर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों का ये नज़रिया है कि ये बाइस सवाब है कब्रों के ऊपर चलना। तो ये बिल्कुल हरम है, हरम के नीचे ही कब्रिस्तान है ये वाला सारे का सारा, और ऊपर जितने भी लोग हैं वहाँ पे चलते हैं, इसके ऊपर हरम है। और इसके अलावा ऊपर जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वहाँ पे गुंबद भी है। तो वो जैसे यहाँ से हम बाहर जाएंगे तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो चलें सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं सब के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, صلوات الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد। शाम को यहाँ पे जो सफाई वाले होते हैं यहाँ पे आते हैं, दुआ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हेलो, हर शाम यहाँ पे मौजूद होते हैं सफाई वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं अल्लाह के हरम। Oh।
ناب اذان از افق مشهد شد. هنگامه گلبانگ اذان مغرب مشهد مقدس از حریم ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام مؤذن استاد حاج هاشم روغنی. एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये जो आप बस देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो हरम के कई हिस्से हैं, कई पार्ट्स हैं, तो अगर जो लोग पैदल नहीं जा सकते क्योंकि पैदल जाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो ये वाली जो है बस सर्विस यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ हिस्सों में हरम के आपको ले जाएंगे। रहमतुल्लाह, सुबह के बज रहे हैं 4:20 और अभी नमाज फजर अदा कर ली है, ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी कर ली है। तो अभी कुछ देर में जैसे सूरज निकलते है तो एक ईरानी एक रस्म है जो सनराइज़ और सनसेट पे वो करते हैं, दिन का आगाज़ और अख्ताम दफ पर जाके, और कुछ ये घंटे नहीं होते वो अलार्म, मतलब दिन का आगाज़ हो गया है, अख्ताम भी हो गया। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं जैसे वो स्टार्ट होगा, तो उसके बाद हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन फिर भी लाजिम बात है जो हरम है बहुत ही बड़ा है, तो कुछ इन मल्टीपल वीडियोज़ में इसलिए इसको ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। Thank you.
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।